हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 15 मार्च 2024 के बीपीएससी TR03 के स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं, एग्ज़ाम दिया है आपने, ये वही क्वेश्चन है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए और आपने जवाब कितना सही लगाया है। मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, ऑप्शन को न देखिएगा, बल्कि हो सकता है कि किसी के बुकलेट में, क्वेश्चन लेट में क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो, लेकिन आपको सवाल समझना है और सवाल के अकॉर्डिंग जवाब क्या होता है ये आपको देखना होगा, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत भी हैं और आपको उसमें ठीक सही से लगाना है। आइए देखते हैं वो कैसे है और क्या क्या है। सवाल नंबर 9 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक आपका इंग्लिश था और यहाँ से आपको 9 से उर्दू दिया हुआ है। इमरान ने कुर्सी उठाई, इस जुमले में मफूल की निशानदेही कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए में इमरान, बी कुर्सी, और सी में है आपका ने, और डी में दिया है हसबे बाला में से एक से जायद और हसबे बाला में से कोई नहीं। जी स्टूडेंट, ये 3, 4, 5 जो है ना ऑप्शन देकर के आपके दिमाग को जरा परेशानी में डालता है। अगर सही टेस्ट है तो इंसान 2-3 ऑप्शन में ही टेस्ट ले सकता है। बाहर के अब जो दिया है जवाब देना है तो याद रखिएगा कि इमरान ने कुर्सी उठाई, इमरान हो जाएगा आपका फाइल, इमरान हो जाएगा फाइल, और उठाई हो जाएगा फेल, और कुर्सी मफूल, और ने जो है वो इसमें आपका हर्फ हो जाएगा। मालूम हुआ कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुर्सी मफूल हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, गुलाम की मुअन्नस क्या है? बांदी, मलका, रानी, हसब बाला में से एक से जायद, और ई में है हसब बाला में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? गुलाम के माना होता है क्या? नौकर। गुलाम के माना नौकर, खादिम होता है, इसको जेंट्स को कहते हैं, और उसी को जो आप आएंगे अपोजिट में तो उसको बोलेंगे बांदी, यानी कि नौकरानी, यानी ऑप्शन आपका ए सही है, यानी 10 का ए बिल्कुल सही है। गुलाम की मुअन्नस क्या है? मुअन्नस क्या है? तो बांदी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11 में, खाना वाना में वाना किसकी मिसाल है? खाना वाना में वाना किसकी मिसाल है? कलमा, मोहम्मल, कलाम, हसबे बाला में से एक से जायद, हसबे बाला में से कोई नहीं। जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मेरे पास भेजा है बिल्कुल सटीक और सही जवाब लगाया है। वाना जो है ये क्या है आपका? लफ्ज़ मोहम्मल है, मोहम्मल बोलते हैं जिसका माना कुछ समझ में न आता हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में है कि वह कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता बल्कि लफ्ज़ों के साथ मिलकर देता है? वह कलमा क्या है जो अकेला मफहूम और अदा नहीं करता बल्कि लफ्ज़ों के साथ मिलकर माना जाता है? तो कलमा है जो माना जाता है, वाहिद भी है माना जाता है, और मुजक्कर भी है जानते ही हैं, हसबे बाला में से एक से जायद, हसबे बाला में से कोई नहीं, हमारे समझ से नहीं, बल्कि सही माने में आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है। अगर हर्फ होता तो उसको हम चुन लेते कि हर्फ ऐसा लफ्ज है जो अपना माना अकेला नहीं देता है बल्कि दूसरे के मिलाने के मोहताज रहता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि दर्जेल में अल्फाज में से किसका इमला दुरुस्त है? किसका इमला दुरुस्त है? तो किसका इमला दुरुस्त है? देखिए, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही है। लिखा है बालकुल, लेकिन बिल्कुल लिखने का तरीका यही है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सी यानी 13 का सही है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, दर्जेल अल्फाज में पानी का हम माना कौन है? हम माना, पहले सबसे पहले आप ग्रामर के बेसिक को समझिएगा, बुनियादी चीज़ को समझिएगा, तो विकल्प निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पूछ रहे हम माना, हम माना होता है कि इसके तरह कौन ऐसा लफ्ज है जिसका माना भी पानी के आता है? सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि आप के माना होता है पानी, आप माने पानी, तो हम माना हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में बढ़ते हैं, अदल के क्या माना होगा? जी, अदल का माना क्या होगा? अदल का माना क्या होगा? देखिए, अदल का माना होगा कचहरी, अदल का माना इंसाफ और कमरा, और नीचे जो दिया है तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपका बे सही है, अदल माना होता है इंसाफ, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 के बाद 16 में,
उर्दू के माना लश्कर होते हैं। इस जुमले में गलत लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, गलत लफ्ज़ का। तो देखिए ये गलत लफ्ज़ की हिसाब से पूछ रहा है कि लिखने के अतबार से पूछ रहा है। उर्दू के माना लश्कर बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ जो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है इसमें आपको लश्कर बड़ी सीन से होना चाहिए था, यानी यही जो है गलत है, ठीक है ना। देखिए देखते हैं सवाल नंबर 16 के बाद 17 में। 17 में है कि हसीन का मुतरादिफ क्या होगा। हसीन का मुतरादिफ, मुतरादिफ किसे कहते हैं आप जानते हैं तो ही जवाब सही लगा सकते हैं। याद रखिएगा मुतरादिफ कहते हैं साइनोनेम को, सेम टू सेम को, जैसे कि दुख तकलीफ आफत मुसीबत रंज और गम, क्या ये सब मुतरादिफ हैं, यानी कि एक दूसरे के माना में है। तो यहाँ हसीन का क्या होगा, हसीन के माना होता है खूबसूरत, तो उसका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। बदसूरत जो है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जिद बन जाएगा, तो ये ऑप्शन सी गलत है। बल्कि 17 में हसीन का मुतरादिफ क्या होगा, खूबसूरत होगा। अतः हसीन का मुतजाद क्या होगा, तो आप बदसूरत डाल सकते थे, ठीक है ना। तो हसीन के मुताबिक क्या होगा, खूबसूरत होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में है कि उर्दू के है ना, कहाँ गया 18 में, हलाल की जीत क्या है। हलाल की जीत आप जानते हैं, हलाल के मना होता है वो चीज़ जिसको खा सके इंसान, तो हलाल का जीत यानी कि अपोजिट पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल जितने जवाब लगाया ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हलाल का जीत हराम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18-19 में, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, जिसने भी ऑप्शन पे टिक लगाया है उसका बिल्कुल जवाब गलत है, उसको हम फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी काम करने या होने को क्या कहते हैं, फेल बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 19 के बाद 20 में, वह कलमा जो किसी इस्म के बदले बोला जाए क्या कहते हैं। वह कलमा जो किसी इस्म के बदले बोला जाए क्या कहते हैं, बिल्कुल जिसने जवाब सही लगाया है सही है, उसको हम ज़मीर बोलते हैं, ठीक है ना, वह है ज़मीर सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 के बाद 21 में, दरअसल में से दुरुस्त जुमला के निशान, दुरुस्त पूछ रहा है, दुरुस्त जुमला कौन है कि मुनासिब और सही अल्फाज कौन है पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही जवाब होगा जिसने जवाब लगाया ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है, अजहर एक जहीन लड़का था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं 21 के बाद 22 के बाद 23 देखते हैं। 23 में क्या देखते हैं, जैल में से इसमें नकरा की पहचान करना है, इसमें नकरा, ये इसमें नकरा की पहचान करना है, अहमद किताब अमरूद इस बालम से एक से ज़्यादा कोई नहीं, तो ये अब लगाया गया है गलत है, कि ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है। किताब से ये क्या है, ये नकरा हो जाएगा, किताब से कोई भी किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, इंग्लिश किताब, हिंदी किताब, अरबी किताब, फारसी किताब, तो ये नकरा में आएगा, वही बोलेंगे हदीस की किताब या कुरान शरीफ बोलेंगे तो आप हो जाएगा मारफा में, तो ये क्या है 22 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 22 के बाद 23 में, कि टप टप या टिप टिप में कौन सा इस्म है। तो टप टप टिप टिप किसे कहते हैं जानते हो, ये किसी चीज़ की यानी पानी को, पानी के टपकने की आवाज़ है, और सौत के मना भी होता है आवाज़, तो जिसने जवाब लगाया 23 का ऑप्शन भी राइट आंसर है, यानी इसमें सौत बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, ये एक किताब है, इस जुमले में कौन सा ज़मीर है। यह एक किताब है, इस जुमले में कौन सी ज़मीर है, यह एक किताब है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज़मीरी इशारी है। यह क्या है, ज़मीरी इशारी, जुमले कौन सा ज़मीर है, यह एक किताब है, यह क्या है, ये इशारी है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल बताइए, ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल, वह आया, वह आएगा, वह आ रहा है, हसब बाला में से एक से ज़ायद और हसब बाला में से कोई नहीं, वह आया, बिल्कुल सटीक है, फ़ेल माजी मुतलक है, ये फ़ेल या माजी है, यानी कि वह आया, सिर्फ आने की खबर मिल रही है, वो भी पिछले ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने में। 25 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 26 में, आलिम का जिद मुतजाद क्या होगा। आलिम का मुतजाद, मुतजाद मीन्स अपोजिट, उल्टा, तो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी जाहिल, बिल्कुल परफेक्ट है, 26 हो गया।
अब देखते हैं सवाल नंबर 27 तक पढ़ते हैं कि ज़ैल में से ज़मीर की मिसाल है, ज़ैल में से ज़मीर की मिसाल है, जिसने जवाब सही लगाया है बिल्कुल सटीक है, ज़मीर की मिसाल कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए, तुम, मैं, हम, ये सब क्या है? ज़मीर की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 27 के बाद 28 में, 28 देखते हैं, बस सिर्फ दो तीन क्वेश्चन बच गए हैं। वह कलमा जिससे किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर हो क्या कहलाता है? वह कलमा जिससे किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई मालूम हो क्या कहते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए, उसको हम सिफत कहते हैं। ठीक है, अच्छाई या बुराई, खूबी या खराबी को हम सिफत कहते हैं। सवाल नंबर 29 देखते हैं, तो मैंने थोड़ा दूध पिया, इस जुमले में कौन सी सिफत है? थोड़ा दूध पिया, तो आपने टिक लगाया है अददी का, और अददी कहते हैं जो काउंटिंग हो सके, कि आप दूध को गिन सकते हैं, तो नहीं, ये गलत है। आपका जो है ना अददी कहते हैं जिसको हम काउंटिंग कर सकें, गिन सकें, एक से लेकर के लाखों करोड़ों तक, दो तीन चार पाँच छः, लेकिन यहाँ पर है सिफत मकदारी है। सिफत मकदारी कहते हैं जिससे किस चीज़ को हम क्या करें, वज़न कर सकें और नाप सकें। तो दूध जो ऐसी चीज़ है जिसने उसको नापता है, वज़न करता है, गिन नहीं सकता है, तो इसका 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, देखते हैं सवाल नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है, किताब की जमा क्या है, किताब की जमा क्या है, किताब की जमा क्या है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिंगुलर प्लूरल पूछ रहा है, किताब की जमा क्या है? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ चुन दिया गया है मुसग्गर और मुकब्बर, तो ये सही जवाब होगा आपका किताब की जमा, ऑप्शन आपका बी होगा, किताब की जमा होगा कुतुब, क्या होगा, कुतुब। ठीक है ना, क्या होगा, किताब की जमा कुतुब होगा। ठीक है, और किताब जो इसे मुसग्गर हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद कीजिएगा किताब की जमा कुतुब होता है। ठीक है जी स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि हम ढूंढ ढूंढ करके हम आपकी खिदमत करते रहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को देख लिया आपने, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सकें। याद रखिएगा मेरे पास जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ कोई खास एक चीज़ लेकर के नौजवानों के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।